अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 27 के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 27 है और इसमें आज हम यूज़ करेंगे मिरर कमांड को, कि हाउ टू यूज़ मिरर कमांड, हाउ टू मिरर द ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट कमांड, मिरर द ऑब्जेक्ट इन डेस्टिनेशन पॉइंट, किसी भी डिस्टेंस पॉइंट में आप अपने ऑब्जेक्ट को मिरर कैसे कर सकते हैं और मिरर का फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट, मिरर कमांड ऐसी जगह पे यूज़ होती है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपके जो ऑब्जेक्ट हैं ये फेस टू फेस एक दूसरे के सामने आ जाए, या फिर आप चाहते हैं आपका ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ साइट बिल्कुल आमने सामने हो जाए, तो उसके लिए आप मिरर कमांड यूज़ कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत ज़बरदस्त कमांड है ये हमारी। तो इसका फंक्शन क्या है कि आप ऑब्जेक्ट एक ड्रॉ करते हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं और उसे बिल्कुल राउंड बिल्कुल दूसरी साइड पे वैसा ही करना चाहते हैं, तो आप कॉपी करेंगे तो कॉपी से वो नहीं होगा, रोटेट करेंगे तो फिर भी वो ख़राब हो जाएगा, तो आप उसके लिए मिरर कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी लेसन की तरफ चलते हैं और मिरर कमांड पर देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है और इसे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो मिरर कमांड के लिए मैं फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंडर करता हूँ, एक मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ सिंपल से ऐसे ही, ओके। एक सर्कल ये यूज करता हूँ, सी एंटर, टू पॉइंट सर्कल यूज करता हूँ, ओके, ट्रिम कमांड यूज़ की। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल यहाँ पे इसके सामने आ जाए, मिरर हो जाए बिल्कुल। तो इसको मिरर करने के लिए आप एक कमांड यूज़ करेंगे मिरर, तो मिरर कमांड आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है, देख सकते हैं मिरर कमांड है। उसके अलावा आप मॉडिफाई में जाएँ, मॉडिफाई में भी आपको ये मिरर कमांड नज़र आ रही होगी। और शार्ट कमांड इसके, एम आई एंटर करता हूँ मैं, एम आई एंटर, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, पूरे ऑब्जेक्ट को स्पेस प्रेस करें। अब डेस्टिनेशन पॉइंट जो है, आप यहाँ से मैं चाहता हूँ इस एरिया तक क्या हो जाए, मिरर हो जाए, क्लिक करें और आप स्पेस प्रेस कर लें तो देखिए मिरर हो गया। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ तो मिरर करें, आप देखें एम आई एंटर, इसको सिलेक्ट करें स्पेस और इसको यहाँ से यहाँ पर मिरर कर लें, देख सकते हैं। फिर मिरर करना चाह रहा हूँ मैं, एम आई एंटर, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें स्पेस और उसको यहाँ से मिरर करें, देख सकते हैं मिरर हो गई। ये काम अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो मिरर कमांड है, आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है फॉर एग्जांपल, या एक लाइन है फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि मेरे पास आपके पास ये जो लाइन है, इस लाइन में इस कॉर्नर में भी बिल्कुल वही ऑब्जेक्ट लगे जो यहाँ पे लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं एल एंटर करता हूँ इस पॉइंट से, ये ऑब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्ट लगे, उसके लिए आप मिरर कमांड यूज़ करें, एम आई एंटर, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें इसको, स्पेस प्रेस करें और इसके मिड पॉइंट से देखें, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है ये है, देखें ये मेरे पास आ गया। अब ये नहीं मिरर हुआ तो इसको भी मिरर कर सकता हूँ, एम आई एंटर, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस देखिएगा बिल्कुल वहां पे उसके ऊपर लगेगा, देखिए बिल्कुल इसके ऊपर आके लगे वो भी। तो ये देखिए ये एक मिरर कमांड का फंक्शन है। अब मिरर में एक और काम है, एक और चीज़ ये कहता है कि सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए। मेन मेरे पास अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो है ये नीचे की तरफ रोटेट हो जाए और यहाँ से ये ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए भी आप मिरर यूज़ कर सकते हैं। एमआई एंटर, मिरर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें स्पेस और यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ पे हो और ऊपर वाला क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो डिलीट के लिए क्या रहा है, देखें मिरर, सोर्स ऑब्जेक्ट,
अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अरेज हो जाए, येस करता हूँ। तो देखिए ऊपर वाला अरेज हो गया और नीचे हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव हो के आ गया। मेरा अगर आप इसको अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी मेरे अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एल एंटर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ये जो एरिया है, ये रोटेट होकर साइड पे आ जाए, तो आप मिरर अप्लाई करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे तो ये देखें ये मिरर तो हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अरेज हो जाए तो आप यस कर लें तो अरेज हो जाएगा, अदरवाइज नो करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं, नो ही रहेगा, मेन आपका दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि मिरर करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस में से भी मिरर करता हूँ इसको यहाँ पे, और नो के लिए नो करता हूँ। देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। फिर एम आई एंटर, देखिए कितना अच्छा ऑब्जेक्ट बन गया। तो आप यहाँ पे मिरर्स के थ्रू आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं मिरर्स कमांड के थ्रू। तो ये थे ये आपकी मिरर कमांड, जो आपके आपको समझ आई होगी कि मिरर का फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट को अरेज कैसे करते हैं नहीं करते, और आप मिरर के थ्रू काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट काम कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।